हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, मुझे ये न्यूज़ बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो मैंने कल CSEET के लिए वीडियो डाली थी, तो बच्चों का काफ़ी अच्छा मेरे पास रिस्पांस आया और बच्चों ने मुझे बोला है कि सर, आप हमारा जो ये पेपर है लीगल एप्टीट्यूड का, जो कि आप लॉ का पेपर ले रहे हो, प्लीज़ सर आप हमें MCQ की वीडियो बना के दो या MCQ के हमें क्वेश्चंस दो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्दी मैं अपनी MCQ की सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ। तो हम लोग MCQ का जो भी मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक्स मैंने जो कवर करवाए उसके मैं MCQ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और जल्दी मैं अपनी वीडियोस लॉन्च करूंगा MCQ के ऊपर। जैसे अभी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, जो कि कम से कम मैंने कहा 18 से 20 घंटे लग जाएंगे और ये मेरा ओपन चैलेंज है स्टूडेंट, इतना आपको ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो हम लोग अपना लीगल एप्टीट्यूड का पेपर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया था और आज इसका जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी सारे स्टूडेंट्स से कि अगर किसी ने भी अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख लो, देन जाके आप ये लेक्चर देखो, तो आप अप्रिशिएट करोगे, आपको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, आपके लिए बहुत ही इजी कर दूंगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा। चलते हैं आगे। आज की क्लास के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यार, ये जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स है इनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है उसके मेन 3 पिलर्स है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है स्टूडेंट्स, वो उसके 3 ऑर्गन्स हैं, तो वो आज हम देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर मतलब कि लॉ मेकिंग जो बॉडी है उसकी पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग, रेड मिक्स शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 होगा स्टूडेंट्स हमारा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्योंकि हमें सुनने में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है, बट मैं आपको बताऊं कुछ यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे 1% या 2% कितने यूनिटरी फीचर्स हैं, बट मैं यहाँ पे आपको वो एक्सेप्शन बताऊंगा जिसके अंदर ये बताया गया है फेडरल के साथ साथ कहां पे यूनिटरी पावर है पार्लियामेंट के पास टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो हमारा भारतीय संविधान है ये अपने 3 ऑर्गन से इसके, सबसे पहले वो जान लेते हैं, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हिस्ट्री अपनी तैयार कर लेते हैं और एक अपनी फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं, जिससे कि आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 वो हमें बेटरली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर्स को देखते हैं, लेजिस्लेचर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। तो लेजिस्लेचर स्टूडेंट वो लोग हैं जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो लॉ बनाते हैं। तो अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं इंडिया की, तो हमारी कंट्री के अंदर मोटे मोटे स्टूडेंट 2 लोग हैं जो यहाँ पे लॉ बनाते हैं। एक तो लॉ स्टूडेंट पार्लियामेंट से बन के आता है और दूसरा स्टेट असेंबली से बन के आता है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर आर द लॉ मेकिंग बॉडी है और हमारी कंट्री के अंदर 2 लोग हैं, एक पार्लियामेंट है और दूसरा स्टेट असेंबली है जहां से लॉ बन के आता है। दूसरी बॉडी की स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। और आज की डेट में स्टूडेंट आप सबको पता होगा ये चेहरा किसका है, मोदी जी का। तो आज की डेट में आप सबको पता होगा कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, तो वो सारा काम मोदी जी करा रहे हैं, मतलब कि भारत सरकार की जो कमांड है वो हमने इनको दे रखी है, तो पूरे हमारे हिंदुस्तान को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर आगे चलते हैं तो जुडिशरी, और जुडिशरी हमारा 3rd ऑर्गन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जुडिशरी जो बॉडी है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। अब लॉ बनने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, GST का।
जीएसटी बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक था और अभी अभी जीएसटी का लॉ बना, अभी 2-3 साल हुए से, 2017 में ये बन गया था, 1 जुलाई 2017 को ये बन गया था। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, जीएसटी का लॉ बना दिया। उसके बाद मोदी जी ने उसका इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया, वो पार्लियामेंट में आपने देखा होगा घंटा बजा के जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हो गया, और जबकि जे एंड के में एप्लीकेबल नहीं था, पर 8 जुलाई 2017 से मोदी जी ने 7 दिन के अंदर वो काम किया और जे एंड के अंदर भी जीएसटी का जो लॉ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो लॉ है स्टूडेंट, वो एप्लीकेबल हो गया होल ऑफ इंडिया। अब जीएसटी का लॉ बन गया, जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा है, और उसके बाद लोग क्या करते हैं, इस लॉ को ब्रेक करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हमारे लेजिस्लेचर्स कोई भी लॉ बनाएंगे और उसके बाद वो इंप्लीमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं लॉ का नॉन कंप्लायंस होता है, मतलब कि लॉ को ब्रेक किया जाता है। तो जब भी स्टूडेंट लॉ को ब्रेक किया जाएगा, तो जुडिशरी हमारी पनिशमेंट बॉडी है और ये क्या करेगी, पनिश करेगी। तो जुडिशरी क्या करेगी, पनिश करेगी। उसी तरीके से स्टूडेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं, अगर वो हमारे कोई भी राइट्स अगर कोई भी हमसे छीनता है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था और हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि हम डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल के अंदर करवाऊंगा। रिट पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर एसएलपी लगाई जाती है, जिसे स्पेशली पिटीशन बोलते हैं। तो ये डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेजिस्लेचर्स के रिगार्डिंग है। तो जो लॉ मेकिंग बॉडी है, इसको डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो लेजिस्लेटिव पावर जो हमारी कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है, लॉ बनाने की जो पावर है, वो सेंट्रल के पास भी और स्टेट के पास भी है, मैंने आपको बताया। और उसके डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं, किसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और किसके ऊपर स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी। अगर आप देखोगे स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर, तो हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, 25 पार्ट्स है और ये डिवाइड किया गया है 448 आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल पहले स्टूडेंट 395 होते थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, पहले 395 होते थे, अब 448 आर्टिकल्स हो गए, मतलब कि अभी भी है तो 395, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बट ये नंबर क्या है, अमेंडमेंट की वजह से इंक्रीज हो गया, तो टोटल मिला के 448 आर्टिकल्स हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था टोटल 12 शेड्यूल है हमारे पास। उसके बाद स्टूडेंट एक आर्टिकल है 246 जो हमें लेजिस्लेटिव पावर देता है, और रेड विथ रूल शेड्यूल 7, रेड विथ शेड्यूल 7 हमें यहाँ पे देखना होगा, और एक शेड्यूल 5 की भी स्टूडेंट हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि शेड्यूल 5 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट शेड्यूल 7 के अंदर अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिस्ट है, एक हमारे पास यूनियन लिस्ट है, जिसके अंदर अगर मैं बताऊं तो टोटल 99 यहाँ पे स्टूडेंट आइटम्स, इनको कई बार हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं, तो टोटल 99 एंट्रीज यहाँ पे दी गई है। अब स्टूडेंट्स कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार यूनियन लिस्ट में तो 97 एंट्रीज बताई गई है, क्योंकि स्टूडेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो पब्लिक एट लार्ज इसको देख रही है, तो कई लोगों को हो सकता है कि यार हमारे पास तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, 2 साल हो गए इस बात को, 2-2.5 साल हो गए, और हमारी जो ये एंट्रीज हैं, ये हमारी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 97 से बढ़ा के 99 एंट्रीज हो गई है टोटल। आगे चलते हैं स्टूडेंट, दूसरी लिस्ट है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे 61 आइटम्स हैं, जिसे हम एंट्रीज भी बोलते हैं, तो ये भी हमारी चेंज हुई है। मैं ये आपको जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये पूरा अपडेटेड मैं आपको यहाँ पे नॉलेज दे रहा हूँ, तो हम जो यहाँ पे नॉलेज लेने वाले हैं फुल्ली अपडेटेड और डिटेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पे नॉलेज लेंगे। हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि आपके लिए 20 मिनट की वीडियो बना दी और थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया, मैं डिटेल के अंदर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और हम डिटेल्स के अंदर डिस्कशन करने वाले एक एक टॉपिक का। कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं, तो यहाँ पे 52 आइटम्स हैं, 52 एंट्रीज यहाँ पे डाली गई। अब एक बार स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं क्या कहानी है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है,
हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो उसको आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 25 पार्ट्स है इसके अंदर और इनको डिवाइड किया गया है 448 आर्टिकल्स के अंदर, टोटल 12 शेड्यूल इसके अंदर बताए गए। जो हमारा आर्टिकल है 246 वो एक लेजिस्लेटिव पावर देता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है और जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉ बना सकती है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे जो हमारा शेड्यूल 7 है उसके अंदर टोटल 3 लिस्ट यहाँ पे बताई गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अगर मैं लिस्ट 1 की बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट, तो जो हमारी यूनियन लिस्ट है वहां पे पार्लियामेंट के पास, वहां पे पार्लियामेंट के पास पावर है। यहाँ पे टोटल 99 मुद्दे हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। तो स्टूडेंट यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लॉ बनाएगी वो 99 जो आइटम है उसका मतलब है 99 यहाँ पे मुद्दे लिखे गए हैं। जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे मुद्दा लिखा गया है, आगे चल के आप टैक्सेशन भी पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके बाद कंपनीज एक्ट जो पैदा हुआ है वो भी यहाँ पे 99 एंट्रीज में लिखा है। तो स्टूडेंट कई बार होता है बच्चे CS फाउंडेशन जो पहले होता था एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल और CS भी बन जाते हैं, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट बच्चों को यही नहीं पता होता कंपनीज एक्ट कहाँ पे पैदा हुआ है। तो मैं आप अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा कि कंपनीज एक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सी एंट्री के अंदर पैदा हुआ है। अगर स्टूडेंट आपको इसका आंसर आता होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सी एंट्री है जहां पे कंपनीज एक्ट पैदा हुआ है। बाकी जब मैं कंपनीज एक्ट करवाऊंगा 2013 तो मैं वहां पे आपको डिस्क्लोज करूंगा कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सी एंट्री है जहां पे कंपनीज एक्ट पैदा हुआ। उसके बाद स्टूडेंट अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं, टोटल 61 मुद्दे लिखे गए हैं जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट अगर लिस्ट 3 की बात करें तो इसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं और इसके ऊपर जो लॉ बनाने की पावर है 52 मुद्दे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे उन मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और हमारी स्टेट असेंबली भी लॉ बना सकती है। अगर स्टूडेंट पार्लियामेंट ने लॉ बनाया तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ एप्लीकेबल होगा, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर्स ने लॉ बनाया या स्टेट असेंबली ने लॉ बनाया तो स्टेट ने जो लॉ बनाया होगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अभी स्टूडेंट कॉन्करेंट लिस्ट को हम थोड़ी देर में और डिटेल में जानेंगे क्या है कॉन्करेंट लिस्ट। उससे पहले स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन बार बार ये आ रहा है कि सर ये शेड्यूल 5 बताओ, सर ये शेड्यूल 5 क्या है। बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे शेड्यूल 5 SC जो लोग शेड्यूल कास्ट ST OBC वाले जो लोग थे तो उन लोगों के लिए एक रिजर्वेशन कैटेगरी आपने सुनी होगी, UPSC एग्जाम में ये लोग रैंक भी लेके आते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 5th शेड्यूल के अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी बनाई गई है जिसकी एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। तो स्टूडेंट हमारे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5th शेड्यूल है वहां पे शेड्यूल कास्ट ST OBC वालों के लिए कौन सी सेपरेट मिनिस्ट्री है, मैं आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट अगर आप ये देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री 1985 में बन गई थी हमारी, और जो कि हमारे SC ST और OBC बैकवर्ड क्लासेस के जो यहाँ पे कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे ये मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई गई। तो हमारे एग्जाम के अंदर स्टूडेंट हमारा एग्जाम MCQ है तो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि बताओ जी कौन सी मिनिस्ट्री है SC ST और OBC के लिए। तो आप स्टूडेंट ऑप्शन टिक करके आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम अपना चार्ट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे ये चार्ट देखा था। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं कह रहा था कि शेड्यूल 7 जो हमारे पास है उसके अंदर लिस्ट 1 है जहां पे यूनियन लिस्ट के अंदर 99 आइटम्स हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर स्टूडेंट मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट भी यहाँ पे लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। अब स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि एक मुद्दे के ऊपर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और उसी मुद्दे के ऊपर स्टेट ने भी लॉ बना दिया, तो दोनों में आपस में क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो अगर एक ही मुद्दे के ऊपर दोनों ही मिलकर लॉ बना रहे हैं तो इस केस में तो दोनों उस मैटर के ऊपर क्या हो गई है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आपको क्या लगता है किसका लॉ प्रिवेल करेगा,
हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि उस केस के अंदर आपको क्या लगता है किसका लॉ प्रिवेल करेगा। तो अगर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो इन जनरल अगर हम बोलते हैं, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूं, अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स अगर किसी एक मुद्दे को लेकर दोनों लोग लॉ बना देते हैं या आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, तो उस केस के अंदर जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ होगा स्टूडेंट, तो वो वहां पे क्या करता है, प्रिवेल करता है। तो एक बार इसके नोट्स बना लेता हूं, कॉन्करेंट लिस्ट के एक बार नोट्स बना लेते हैं, वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट को समझ लेते हैं। जो कॉन्करेंट लिस्ट हमारे पास बताई गई है, तो अगर जो मुद्दे वहां पे लिखे गए हैं और इन जनरल अगर पार्लियामेंट, अगर स्टूडेंट पार्लियामेंट और जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबली है, अगर दोनों में आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है किसी मैटर को लेके, तो जो भी वहां पे मैटर्स है अगर किसी भी मैटर को लेके आपस में क्या हो जाती है, कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा, जो पार्लियामेंट का लॉ है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो प्रिवेल कर जाएगा। तो जो पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा होगा वो क्या कर जाएगा, प्रिवेल कर जाएगा। तो स्टूडेंट ये सबसे पहली बात हमारी यहाँ पे होगी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी मैटर को लेकर आपस में दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, ये स्टूडेंट मैं कॉन्करेंट लिस्ट आपको बता रहा हूं, तो उस केस के अंदर जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा वो क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। तो ये हमारा हो गया नोट नंबर वन। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड नोट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि जो उसने लॉ बनाया है वही उसकी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल हो? तो आंसर इज यस, वो ऐसा कर सकती है। उसके लिए उसको प्रेसिडेंट, जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाके रिक्वेस्ट करनी होगी कि सर जो हमने लॉ बनाया है हमारी स्टेट के अंदर वही लॉ क्या होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट प्रेसिडेंट क्या कर देता है, प्रेसिडेंट अगर अलाउ कर देता है यहाँ पे, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ बनाया होगा उस स्टेट के अंदर वही लॉ क्या करेगा, एप्लीकेबल करेगा। तो स्टूडेंट एक तरीके से ये एक्सेप्शन हो गई, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया उसके अंदर अगर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई लॉ बनाती है और उस मैटर को लेके कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, तो उस केस के अंदर जो पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है तो उसका लॉ प्रिवेल करता है। बट अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी स्टेट के अंदर हमारा बनाया हुआ लॉ एप्लीकेबल हो, तो उस केस के अंदर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ठप्पा लगा के दे देंगे, वहां पे साइन करके दे देंगे, अपनी एक्सेप्टेंस करके दे देंगे, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर, उस स्टेट के अंदर वही लॉ एप्लीकेबल होगा जो उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बनाया था। थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, सबसे पहले पॉइंट में आपने देखा, सेकंड में आपने देखा, अब थर्ड पॉइंट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर पार्लियामेंट जीत गई थी, ठीक है जी, पार्लियामेंट जीत गई, सेकंड पॉइंट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जीत गई। अब मुझे बताओ गुस्सा किसको आ रहा है, पार्लियामेंट को बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि यार जब हम दोनों में आपस में लड़ाई हुई थी तो हम जीत गए थे स्टेट से, और उसके बाद इसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से क्या कर लिया, साइन करवा लिया रिक्वेस्ट करके, और अब इस स्टेट के अंदर वही लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दोबारा से पार्लियामेंट जीत सकती है, और अगर पार्लियामेंट जीतना चाहती है उस स्टेट से, तो पार्लियामेंट क्या करेगी स्टूडेंट, पार्लियामेंट क्या करेगी, एक न्यू लॉ क्या कर देगी, पास कर देगी। और अगर पार्लियामेंट एक न्यू लॉ पास कर देगी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो वो स्टेट ने लॉ बना रखा था वो लॉ अब किसी काम का नहीं रहेगा, वो लॉ किसी काम का नहीं रहेगा, और अब पार्लियामेंट का लॉ जो पार्लियामेंट से न्यू लॉ बनाया हुआ है वही एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट को समझा डिटेल के अंदर। अभी थोड़ा बहुत हम और डिस्कशन करेंगे, स्टेट जो हमारी स्टेट लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है, उसमें थोड़ा बहुत हम और डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो शेड्यूल 7 के अंदर मैंने आपको बताया 3 लिस्ट है जिसमें यूनियन लिस्ट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है।
तो हमारा जो कंपनी सेक्ट है वो पार्लियामेंट ने बनाया। अब मैं आपको ना एग्जांपल्स देता चला जा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं ये आपको लॉ पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं इन लॉ के अंदर आपको एंट्रीज बताता चला जाऊंगा कि कहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर कहाँ पे कंपनी सेक्ट पैदा हुआ है, कहाँ पे इनकम टैक्स पैदा हुआ है। मैं जीएसटी आपको दिखाऊंगा कि जीएसटी बनाने के लिए तो हमें आर्टिकल 246 को ही हमने अमेंड कर दिया, हमें भारतीय संविधान को अमेंड करना पड़ गया। मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि हम लोगों को एक बिल लेके आना पड़ा और संविधान को अमेंड करना पड़ा। और स्टूडेंट हमारे सिलेबस के अंदर ये भी है कि हमारा जो संविधान है वो कितनी बार अमेंड हुआ है, और कितनी बार अमेंड होने के बाद कितनी बार वहां पे बिल आए और कितने एक्ट वहां पे बने। तो जीएसटी के लिए स्टूडेंट जब बात करेंगे आगे एग्जीक्यूटिव में आप आओगे तो मैं बताऊंगा कि ये जीएसटी जो है वो आर्टिकल 246 कैपिटल ए आया उसके लिए, और वहां पे उसकी डिस्कशन करेंगे। दूसरा हमारे पास इनकम टैक्स का भी एग्जाम्पल होगा, कंपनी एक्ट का भी एग्जाम्पल होगा। ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे एक्ट हैं जिनका एग्जाम्पल्स इसके अंदर है। उसके बाद स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टूडेंट अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो भारत सरकार का नहीं स्टूडेंट कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है, स्टेट गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है स्टूडेंट, वो स्टैंप ड्यूटी है। आपको पता है प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और आए दिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियां करती हैं तो उस केस के अंदर स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। और स्टूडेंट आगे जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आओगे तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी एक्ट बना हुआ है, वो भी हमारे सिलेबस के अंदर है, वो भी आप वहां पे पढ़ने वाले हो। तो स्टूडेंट लॉ में बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत जबरदस्त इसकी नॉलेज होने वाली है। तो वेट करो और जल्दी से अपना सीएस डबल एटी का पेपर पास करो यार, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कॉन्करेंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया, शेड्यूल फाइव के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरी आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैं एमसीक्यू के ऊपर भी वीडियो अपनी लॉन्च करूंगा, तो ये वहां पे ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर कितनी एंट्रीज है, आइटम बोलो, एंट्रीज बोलो, बातें की है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये सारे आर्टिकल्स वहां पे, फिफ्थ शेड्यूल, ये सारी चीजें वहां पे स्टूडेंट्स पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, असली में मैंने आईसीएसआई से ही ये क्वेश्चन लिया हुआ है, उनके मॉड्यूल से ही ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो वहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या जो ये लेजिस्लेटिव पावर ये टू फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये टू फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो पावर है उसको क्या दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अगर स्टूडेंट इसका आंसर अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। असली में अगर आप देखोगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर किया गया है आर्टिकल 246 रेड विद शेड्यूल 7, वो थ्री फोल्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया लेजिस्लेटिव पावर को। जैसा कि आपने देखा लिस्ट 1 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर दी गई, लिस्ट 2 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दी गई, और लिस्ट 3 के अंदर दोनों को पावर दी गई है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे एग्जाम में ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछा जा सकता है, और भी किसी भी तरीके से आईसीएसआई पूछ सकता है। जब मैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसके अंदर मैं सारे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा कि किस टॉपिक को लेके किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग एक मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारा जो लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है इसके अंदर फुल मार्क्स आए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो हमारा ये लीगल एप्टीट्यूड का पेपर है, लॉ से रिलेटेड जो हमारा ये पेपर है, इसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो तैयारी करा रहा हूँ वो ऑल ओवर इंडिया रैंक के लिए मैं यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ, तो आपका रैंक 100% आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो हमारी लिस्ट 1 है उसमें क्या है, लिस्ट 2 में क्या है, लिस्ट 3 के अंदर क्या है। उसके बाद लिस्ट 3 के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट थी स्टूडेंट, उसके अंदर हमने नोट्स भी बना लिए। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, तो आज की क्लास का ये टॉपिक अपना टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अपना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है बेसिकली वो फेडरल है, बट हम बोल सकते हैं 1-2% हमारे कुछ क्या है, यूनिटरी फीचर्स है, मतलब यूनिटरी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है।
सर यहाँ पे फेडरल वर्ड का क्या मीनिंग है बेटा? फेडरल का मतलब है कि अगर आप देखोगे जो हमारी कंट्री है या जो हमारे स्टेट है, हमारा जो इंडिया वो कैसे चल रहा है, किनके हाथों में कंट्रोल है, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल दिया जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, और दूसरा अगर आप देखोगे हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, कंट्रोल है। अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में अगर आप देखोगे जिसकी सरकार है उसी का क्या होता है, कंट्रोल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस हुआ है, यहाँ पे उसको भी देखते हैं। हमारे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट सर्टेन यूनिटरी फीचर्स, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस हुआ था इसके लिए, तो वो केस का नाम भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विद सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ तो उसके अंदर बोला गया केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर बोला गया कि मेजोरिटी ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर फेडरल फीचर्स हैं। कौन से फीचर्स हैं? फेडरल फीचर हैं, पर मैं आपको वो एक्सेप्शन बताऊंगा कि कहां पे यूनिटरी फीचर्स भी हैं। पहले हम लोग इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट कई बार मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे केस है केशव नंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, तो मेरे से ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये AIR का क्या मीनिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट ये एडिशनल यहाँ पे डाला है, क्योंकि कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हम ये AIR देखते हैं 1973 SC लिखा होता है, 1461 लिखा होता है, हमें इसका मीनिंग नहीं पता। कई बार हम टीचर्स से भी पूछते हैं तो टीचर्स भी नहीं बताते हमें, तो सर आप बताओ प्लीज। तो मैं अपनी क्लास के अंदर बताता हूँ, तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। शॉर्ट में हम लोग AIR लिखते हैं, और अगर हम फुल टाइटल बोले इसका तो ऑल इंडिया रिपोर्टर बोला जाता है इसे। उसके बाद जो 1973 यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया, 1973 का मतलब है कि इस ईयर में ये पब्लिश किया गया था, इस केस जजमेंट आई थी इस ईयर के अंदर। SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, और ये 1461 जो लिखा है, ये जो केस होता है उसका रेफरेंस नंबर होता है, पेज नंबर होता है ये उसका, ठीक है जी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है हाउएवर देयर इज अ डिस्कशन, तो यहाँ पे एक डिस्कशन हो सकता है, हम लोग इस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है या वो यूनिटरी है या वो क्वासी फेडरल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूंगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 98% से लेके 99% आप बोल सकते हो कि वो फेडरल है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी कंट्री को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को भी रखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट का भी पूरा ही पूरा कंट्रोल दिया गया। बट मैंने आपको जैसा कि बताया कुछ यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी डाले गए, मतलब कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर लिखे हैं उनके ऊपर भी लॉ बना सकती है। तो स्टूडेंट कई बार बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि सर ऐसा कोई लॉ बना बताओ जो स्टेट लिस्ट में हो और पार्लियामेंट ने बना दिया हो। तो बेटा टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज भी CST लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो अगर हम देखेंगे तो वो यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 92 कैपिटल ए से बनाया गया था। तो जो CST का जो टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स था स्टूडेंट, जब आप गुड्स अगर आप दिल्ली से UP माल बेच रहे हो तो उस केस के अंदर हम बोलते थे CST लगता है। तो ये एंट्री नंबर 92 कैपिटल ए यूनियन लिस्ट से बनाया गया था। बट अगर मैं क्रॉसपॉन्डिंगली बात करूं तो CST का जो पैसा था वो किसके पास जाता था, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। जो CST का जो पैसा था वो किसके पास जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास। आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसे और डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं कि एसेंशियल फीचर्स क्या है हमारे फेडरल सिस्टम के। तो फेडरल सिस्टम जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके फीचर्स क्या है यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ड्यूअल गवर्नमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री को कंट्रोल कर रही है और हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसी तरीके से स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जैसा कि आपने लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के अंदर देखा। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपने देखा कि हमने कसम खाई थी कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो सुप्रीम है और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं। जो लक्ष्मण रेखा मोदी जी ने खींची हुई है, हम उस रेखा के बाहर नहीं जा रहे, ठीक है जी, और घर के अंदर रह रहे हैं।
और घर के अंदर से ही सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर स्टूडेंट जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगाई थी, तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो वो जो वोटिंग का मामला था उसके अंदर बोला गया था वो घबला हुआ है वोटिंग के अंदर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखोगे जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, उनको रिजाइन करवा दिया था। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके पास इंडिपेंडेंस पावर है। तो ऐसा आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो इंडिविजुअल्स हैं, भारत के जो नागरिक हैं, तो उनके लिए भी आप देखोगे उनका भी राइट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है जुडिशरी ने। अगर स्टूडेंट आप फोर्थ पॉइंट देखोगे यहाँ पे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की स्टूडेंट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं बेस्ट एग्जाम्पल इंदिरा गांधी का लेना चाहूंगा। जब एमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे, और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन थी वहां से रिजाइन करवा दिया था। तो स्टूडेंट एक लंबी स्टोरी है, अगर कोई भी ऐसी स्टोरी आप डिटेल में देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं उन वीडियोस के लिंक आपको सेंड कर दूंगा जहां पे वो स्टोरीज डिटेल के अंदर बताई गई है कि उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी के टाइम पे एमरजेंसी लगी थी तो क्या हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, आप अगर देखोगे तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो लिखा गया है, और इंडिया के अंदर तो जितने भी लॉ हैं आपको पता है इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है कि अगर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर अमेंडमेंट्स करनी है, तो अमेंडमेंट्स तो स्टूडेंट की जा सकती है, बट एक रिजिड प्रोसीजर है, इतनी आसानी से आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने असेंशियल फीचर्स देखे फेडरल सिस्टम के, तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे आईसीएसआई ने ये स्टडी मटेरियल लॉन्च किया है, तो मैंने यहां से ही आपको ये टॉपिक करवाया। सबसे पहली क्लास के अंदर मैंने प्रैम्बल आपको करवाया था, उसके बाद अगर मैं आ जाऊं तो आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले जो टॉपिक किया तो उसके अंदर हमने देखा कि लेजिस्लेचर्स की जो पावर है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। उसके बाद हमने ये सेकेंड टॉपिक किया फेडरल और यूनिट्री का। अभी हम लोग यहाँ पे जो कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि फेडरल फीचर्स क्या है, तो वो यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फेडरल फीचर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे फेडरल फीचर्स यहाँ पे लिखे गए। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे ये फेडरल फीचर्स लिखे हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम माना गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट माना गया है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कराना हो तो अमेंड करवाया जा सकता है, बट एक रिजिड प्रोसीजर है, मतलब इतना आसान नहीं है कि आप इजिली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर लो। नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट पैरा को समझते हैं, इसको भी नोट्स के थ्रू समझते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से ये पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसे डिटेल के अंदर समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम इसको हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो फेडरल से रिलेटेड है हमारे। सबसे पहले इंडिया, देयर आर गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स एंड लाइक यूनियन एंड स्टेट्स। तो आपको बताया इंडिया के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल्स के अंदर है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और हर स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। दूसरा, अगर आप स्टूडेंट देखोगे जो लॉ बनाने की पावर है आर्टिकल 246 के अंदर और शेड्यूल 7 के अंदर, वो थ्री फोल्ड्स के अंदर दी गई है। मैंने आपको बताया हमारी पार्लियामेंट को भी पावर दी गई है जो कि लिस्ट 1 के अंदर, लिस्ट 2 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भी पावर है, और लिस्ट 3 के अंदर दोनों के पास पावर है। आगे चलते हैं, अगर आप आगे देखोगे स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है हमारे पास जो दोनों के दोनों है, यूनियन और स्टेट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है जी। जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट रखा गया है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा यूनियन में या स्टेट के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है,
तो उस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फुल और फाइनल होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है स्टूडेंट, और हमारी कंट्री में आपको पता होगा एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर। तो ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, हम लोग सीपीसी सीआरपीसी पढ़ते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो वहां पे डिटेल में एक हिरार्की बताई जाती है कि जुडिशरी हिरार्की क्या है, तो हम लोग वो डिटेल में देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर सेंट्रल में और स्टेट में अगर आपस में कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे डिसाइड करता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेट आपस में लड़ने लग जाए, तो उस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डिसाइड करता है। तो जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी रखी गई है। उसके बाद स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता ही है सुप्रीम है, बट अगर हम चाहें तो इसे अमेंड भी कर सकते हैं, और आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बार बार अमेंड किया जाता है, और अभी आपने हाल फिलहाल के अंदर देखा कि और भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट सोसाइटी चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी कई बार अमेंड करना पड़ता है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये दोनों टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हमने यहाँ पे देखा, और हमने स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक टॉपिक आता है जहाँ पे मैंने बताया था एक्सेप्शन है, यूनिटरी पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लिस्ट के अंदर जो मैटर्स है उनके ऊपर लॉ बना सकती है। पर स्टूडेंट जब मैंने CSEET का सिलेबस देखा तो उसके अंदर वो एक्सेप्शंस नहीं बता रखी थी, बट अगर फिर भी किसी बच्चे को, कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मुझे तो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मुझे फालतू का ज्ञान चाहिए, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट वो क्या कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, तो मैं ये सेपरेट वीडियो उस बच्चे को उसकी आईडी पे जीमेल की आईडी पे, जो कि मैं गूगल ड्राइव से बच्चों को वीडियो लेक्चर शेयर करता हूँ, तो मैं वहां पे सेंड कर दूंगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बस चलते चलते एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कल अपनी फर्स्ट वीडियो डाली CSEET की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी मेरे पास डिमांड आई स्टूडेंट्स की, सर हमें MCQ क्वेश्चंस चाहिए, सर हमें नोट्स चाहिए। तो मैं आने वाले लेक्चर्स, मैंने आपको बताया कि मैं MCQ को लेके मैं वीडियो अपनी रिलीज करूंगा, और हम लोग वीडियो सीरीज बनाएंगे MCQ के ऊपर, और मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे MCQ की, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि जो लीगल एप्टीट्यूड का लॉ का हमारा यहाँ पे पेपर रखा गया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरे लेक्चर्स करने के बाद आपके फुल मार्क्स आएंगे। हो ही नहीं सकता कि आपका एक नंबर भी स्टूडेंट यहाँ पे आपका छूट जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अपना विजन और मैं एक मिशन के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि बच्चों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, और अगर कोई बच्चा रैंक लेके आना चाहता है तो वो रैंक भी लेके आ सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आपको पता ही होगा कितना डिफिकल्ट है ये वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करना बनाना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पब्लिक एट लार्ज पूरे हिंदुस्तान को पढ़ना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, तो इसलिए आप मैक्सिमम इसे शेयर करें, लाइक करें, और इन वीडियोज के ऊपर मैक्सिमम आप कमेंट करें। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू वेरी मच।